जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड कंपनी को। आप सभी जानते हैं, यदि आपका इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी गई है। क्या इसके वजह है मैं आगे बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि जो इसमें कब से ट्रेडिंग शुरू होगी और आपका पैसा इसमें लगा हुआ है तो पैसा सेफ है कि नहीं है, और खासकर यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उससे भी क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सभी तो देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आप देखेंगे बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ। अब ध्यान से देखिए, एक तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एसएम स्टेज वन में ये स्टॉक है। हालांकि एसएम कैटेगरी में तो काफी दिनों से था, लेकिन एसएम की कैटेगरी में होने से ट्रेडिंग बंद नहीं होता, चाहे एसएम स्टेज वन में हो या एसएम ESM स्टेज फोर में हो, स्टेज फोर तक होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ ALF, ALF ड्यूज। ALF का मतलब होता है एनुअल एनुअल लिस्टिंग फी, इसको कहते हैं शॉर्ट कट में ALF ड्यूज, यानी कि इसका जो एनुअल लिस्टिंग फी होता है एक्सचेंज पे। आप जानते हैं कि NSE और BSE पे जब भी कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो उसकी एक सालाना फी देनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनुअल लिस्टिंग फी। वही ALF ड्यूज है इसका, यानी कि इसने अपना एनुअल लिस्टिंग फी नहीं चुका पाया है क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए इसमें जो है ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए इसमें कब तक ट्रेडिंग सस्पेंडेड रहेगा, ये कोई फिक्स डेट नहीं है इसका, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि जो बीसीएस इन्फो टेक्निक्स कंपनी है और इसके जो मैनेजमेंट है वो कब तक ये जो लिस्टिंग फी होता है, ये देखिए ये छोटा मोटा नहीं होता है, कुछ लाखों में होता है, इसको कब तक वो पे करेंगे इसके मैनेजमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड का जो ट्रेडिंग है कब से शुरू होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है आम पब्लिक को, क्योंकि इसमें आम पब्लिक का ही, जिसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनका पैसा इसमें सबसे ज्यादा लगा हुआ। यदि आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपको दिखेगा कि रिटेल्स का ही पैसा ज्यादा लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है जिसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है वो व्यक्ति इसमें ज्यादा परेशान होंगे। इसमें प्रोमोटर्स बहुत कम है, इसमें कायदे से चल क्या रहा था आगे तो हम लोग स्क्रीन वेबसाइट पर समझेंगे। इसके पहले मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूँ कि शायद कोई ऐसा न्यूज मिल जाए जिसमें ये आपको देखने को मिले कि इसके मैनेजमेंट ने कोई इसको लेकर डिसीजन लिया है कि नहीं, कि उन लोगों ने इसके बारे में क्या सोचा है इसमें ट्रेडिंग शुरू कराने को लेकर। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलते हैं। तो अभी हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर बीसीएस इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ। तो देखिए इससे रिलेटेड ये एक न्यूज है, बीसीएस इन्फो टेक्निक्स नॉट ट्रेड ऑन एनएससी इन द लास्ट 30 डेज। सिर्फ यही एक न्यूज नहीं है, और भी आगे मैं दिखाऊंगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब 30 दिन में, पिछले 30 दिनों में एनएससी पर इसकी कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, तो हम सभी जानते हैं क्योंकि इसने ALF इसका ALF ड्यूज एनुअल लिस्टिंग फीस नहीं चुकाया है। आगे यहाँ पे कुछ न्यूज है, न्यूज में देखेंगे तो ये जो न्यूज है बीसीएस इन्फो टेक्निक्स का, इसके मैनेजमेंट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग हुआ था इसके जो क्वार्टर्स के अगले क्वार्टर फोर के नंबर आने वाले हैं उसको लेकर, तो इसमें जो लिस्टिंग फी है इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये सभी देखेंगे तो मई का ही अपडेट है, यहाँ पे देखिए 14 मई लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 मई लिखा हुआ है, मई का ही अपडेट है। लेकिन किसी भी मीटिंग में इसमें ये तय नहीं किया गया है कि ये जो सेबी का जो सॉरी एक्सचेंज का जो लिस्टिंग फी नहीं चुकाया गया जो ALF ही, उसको लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है या ये लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से कितना मतलब गिरा हुआ काम कर रहा है। जो जरूरी चीज है पहले उसको लेकर एक अपडेट देना चाहिए था, क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स काफी परेशान है, लेकिन इसके मैनेजमेंट को इसकी कोई चिंता नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जो कंपनी का एक रेगुलेशन होता है, जैसे क्वार्टर फोर के क्वार्टर्स के नंबर हर 3-3 माह पर लाने हैं, तो उसी में कंपनी अपना लगा हुआ है, बाकी चल क्या रहा है उससे लेकर इन्हें कोई मतलब नहीं है। जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें आप प्रॉफिट लॉस के सेक्शन में, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कंपनी के खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेज हैं, वो इसकी जो कमाई है जो सेल्स है उससे ज्यादा हो रहा है। 65 लाख का इसका ओवरऑल कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में कमाई हुआ था, लेकिन 2 करोड़ 98 लाख तकरीबन 3 करोड़ का तो कंपनी का खर्चा हुआ है, जिस वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो माइनस में है, यानी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तकरीबन 3.5 लाख के 3.5 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में है। तो इतना हैवी लॉस है, तो जब कंपनी लॉस में है और उसके पास पैसा नहीं है तो जो एनुअल लिस्टिंग फी होता है वो एनुअल लिस्टिंग फी कहाँ से चुका पाएगी जब कंपनी के पास पैसा नहीं है। तो इस वजह से इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया गया। और जब कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आने लगेंगे, क्वार्टर्स के नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, सिर्फ कुछ कुछ लाख के 10-10, 20-20 लाख के कंपनी के सेल्स हो रहा है, उससे ज्यादा तो कंपनी के यहाँ पे एक्सपेंसेज हो जा रहे हैं, एक्सपेंसेज ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है कमाई से, तो जाहिर सी बात है कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो जब तक कंपनी लॉस में रहेगी ये अपना एनुअल लिस्टिंग फी नहीं चुका पाएगी। अब जो आप इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बस वेट ही करना है कि अब चूंकि आपको बेच के निकलने की जल्दबाजी क्या ही कीजिएगा, इतने छोटे स्टॉक बहुत ज्यादा काम का पैसा लगाए तो निकाल निकाल दीजिए, वरना मेरी सलाह रहेगी कि अब देखिए
बर्बाद हो ही गए तो ठीक से बर्बाद हो जाइए, इसमें बने रहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कभी ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी, जब भी ट्रेडिंग शुरू होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके जो शेयर प्राइस है उसमें एक जबरदस्त स्पाइक लगेगा, और शेयर प्राइस में स्पाइक लगने से आपके जो भी लॉसेज है रिकवर हो जाएंगे। मान लीजिए आपका जो बाइक प्राइस है, कहाँ से ज्यादा आप कहाँ पर बाइक किए होंगे, बहुत से लोग 50-60 पैसा के बीच में यहीं पर बाइक इसी रेंज में बाइक किए होंगे, तो आपको कितना ही लॉस हो जाएगा। 50 पैसा से यदि प्राइस 10 पैसा भी आ जाए तो कितना ही लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सलाह ये रहेगा कि आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब जो इसकी रीजन थे इसमें ट्रेडिंग बंद होने का और कब तक उम्मीद होने की बात उम्मीद है इसमें ट्रेडिंग शुरू होने, मैंने वो भी बता दिया। बाकी मन में कोई सवाल है कंफ्यूज कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।